अच्छा, घर में जैसे यूपीएस है, यूपीएस में नहीं लग सकते? यूपीएस में भी लगते हैं। लगते हैं तो कौन से यूपीएस में लगती है, जानना चाहते हैं? अलग अलग साइज की हैं, उस तरह से बनाई जाती है बैटरी। जैसे हमारे पास 12 वोल्ट 35 एच का यूपीएस, तो उसमें कौन सी बैटरी लग सकती है? 35 नहीं होगी आपके पास, एसएमएफ में 12 वोल्ट में आपको या तो 42 होगी। हाँ 42 हमने उसकी ली हुई, एमरान की ली हुई है। हाँ तो 42 एच में आपको इसमें ही बैटरी लगते हैं। वो कितने की आती है 42 एच में? 42 एच की बैटरी आपको उसके अलग हो जाते हैं प्राइस। तो प्राइस कितने हैं, आइडिया लेना चाह रहा हूँ? एसएमएफ बैटरी जो है उसे डबल प्राइस है। अच्छा डबल प्राइस है, तो लाइफ कितनी होती है? लाइफ 5 ईयर्स। अच्छा 5 ईयर्स की वारंटी या 5 ईयर्स की? 5 ईयर्स की वारंटी। आप क्या सप्लाई करते हैं? लिथियमाइन बैटरी। हाँ लिथियमाइन बैटरी। अच्छा लिथियमाइन बैटरी जी। तो 42 एच की कितने की पड़ती है? 42 एच वोल्टेज, वोल्टेज 12 वोल्ट भी आ जाएगा सर। यूपीएस के लिए चाहिए 42 एच राइट? हाँ। मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें आएगा एग्री म्यूजियम। एग्री ले जा रहे हो? चलाओ चलाओ मैडम का लिया ना। विम्पी तेरी बीवी को भेज रहा हूँ फोटो।
हाँ, आपका नाम? तो कहाँ से हैं आप? मुंबई। मुंबई से। तो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए। So what is the cost of this high security plate? Cost is category wise the per car. That is reasonable. Actually, very reasonable. So how is the security is done in this plate? Security is mainly in digitization. अच्छा, दैट इज इम्पोर्टेंट। या सो इट इज ट्रेसेबल इजीली इफ द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्वड एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आर इनकॉर्पोरेटेड जस्ट टैग्ड अप विद द एचएसआर। जनरली दे यूज्ड टू मैनिपुलेट द प्लेट ना दे The thieves, they used to manipulate that. So in earlier days, the first thing what used to happen is that if you want to steal a vehicle, you remove the number plate. Yeah. This number plate cannot be removed because it is related to snap locks. Achha. So you have to actually break the plate to remove it. And then you can't get a second type of a number plate for the same. So if you directly come into the eye of the enforcement guy, that there is somebody is trying to manipulate it. चार्जर बैटरी चार्जर लिथियम रियर ले बोर्ड सब टाइप की लिथियम बैटरी बनाते हैं सब साइज की लिथियम ऑल टाइप ऑल तो ये लिथियम बैटरी यूपीएस में भी चलती है ना आजकल यूपीएस है टेलीकॉम है इलेक्ट्रिकल है अच्छा और सोलर पावर है तो उसके लिए स्पेशल यूपीएस होता है कि जो करंट है यूपीएस में भी चल जाती है बैटरी थोड़े चेंज करना पड़ता है बीएमएस अच्छा कुछ चेंज करना पड़ता है यूपीएस में यूपीएस बैटरी का हाँ इसके अंदर एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो हर या ऐसा यूपीएस खरीदें जो कि उसके लिए बना हो ऐसा आता है बैटरी कंपैटिबिलिटी करनी पड़ती है यूपीएस के साथ हाँ बैटरी का मिलान करना पड़ता है यूपीएस तो कैसे वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे बैटरी से चलने वाली बैटरी से चलेगी कार्टेक्स में गए कार्टेक्स के वाली उस समय म्यूजिक अकेला बज रहा कोई रास्ता नहीं ये यहाँ की रहती मैंने देख लिया था बस यहाँ का छूट
तो यूपीएस की लाइफ अच्छी रहे, इसका आ रहा है वापस लेके आओ। आप डिस्कस करिए सर से, मैं वीडियो बना। आपका नाम? तो आप अभी इसमें एसोसिएटेड है? अच्छा, वेरी गुड। और कुछ है अपना है इसके प्रोडक्ट के बारे में बताइए। एक बार चार्ज होने के बाद ये कितने किलोमीटर चल जाती है? कितने किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट? वीडियो पे आपका नाम? मेरा नाम हाँ। तो आप कहाँ से? अजमेर से वहाँ से रहता हूँ और वहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ। ये मॉडल सी के जी यहाँ पे असेंबल होने के बाद कॉस्ट क्या पड़ती है इसकी? असेंबल होने के बाद इसकी रिटर्निंग 8,000। इसका वो एक बार चार्ज होने के बाद कितने? चार्ज होने के बाद 60 किलोमीटर। लेकिन दिल्ली में तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो दिल्ली में तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर 60 किलोमीटर कम हो। हाँ, वैसे भी ये जो है ये होम बाइक, ये कमर्शियल बाइक नहीं है, होम बाइक है। आप ऑफिस तक बैंक गए, यहाँ गए, बच्चे को लेके
आपका नाम? मेरा नाम पूरन एल केसवानी। हाँ, आपकी कंपनी का नाम? बुला लीजिए टीम। आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? हमारे यहाँ अभी करंटली 6 टीम के मेंबर यहाँ पे हैं। तो कितने साल से आप ये इस बिजनेस में हैं? टीवी में हम लोग 1 साल से हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग चाइना ऑफिस में 15 साल से रहते हैं, वहाँ पे हमारे ऑफिस है। अच्छा, मेक इन इंडिया के लिए पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ। थैंक यू।